श्रीनाथ बसीन एंड वेलकम बैक टू द एस्ट्रोलॉजी। सो गाइस, आज की मार्केट बहुत ज्यादा अच्छी गई एज एक्सपेक्टेड, एंड हम लोगों ने तीन स्टॉक्स आप लोगों को रिकमेंड करे थे, TCS, तत्वा एंड ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स। ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स तो ऑलमोस्ट 10% का अपर सर्किट लगाया, इसके अलावा तत्वा 7% तक ऊपर गया एंड TCS हमारे एग्जैक्टली टारगेट तक गया और वहीं पर ही नीचे आया। सो हमारी एनालिसिस बिल्कुल एज ऑलवेज परफेक्ट चल रही है अभी तक, तो आई होप कि ऐसी चलती रहे। इसके अलावा मार्केट में मैंने आपको बताया था 40,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज करता है डेफिनेटली तब हम बाय करेंगे इधर से। अगर हमारी मार्केट 80,100 के ऊपर निफ्टी क्लोज होती है 15 मिनट की कैंडल पे तब हम बाय करेंगे। तो अभी तक मार्केट में ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिला नहीं, तो एक बार मैं दोबारा दिखाऊंगा कि ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या चल रहा है। इसके अलावा मैंने एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई थी अपने आज के सुबह के लाइव पे, तो आप वहां पर जाकर चेकआउट जरूर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मार्केट नवंबर की सीरीज कैसे रह सकती है। तो मैं ऐसे 5 शेयर आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं जिसपे आप नवंबर की सीरीज पे अपनी वॉचलिस्ट पे ऐड कर सकते हैं या पर्सनली बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा 4 स्टॉक्स और ऐसे होंगे जो बैंकिंग सेक्टर से होंगे, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है इस महीने, तो ये बैंकिंग सेक्टर के ये स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो ये वीडियो भी आप लोगों को कल या परसों तक डेफिनेटली प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो के अंदर और देखते हैं कि कल ट्रेडिंग टर्मिनल पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। डेफिनेटली गाइस, ये वाला स्टॉक अगर कल परफॉर्मेंस नहीं देता बट आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर आप लोगों को बहुत बढ़िया रिटर्न ये देकर जाने वाला है, सो इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले फोकस करते हैं इस ग्रीन कलर की लाइन पे। ये जो ग्रीन कलर का एक जोन है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आया था, एक बहुत बड़ा करेक्शन आया था 1280 से लेके ये ऑलमोस्ट 490 तक आ गया था। और इसका जो ब्रेकडाउन आया था वो फेब 2020 पे आया था। अब इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया एग्जैक्टली फेब 2021 पे, एक साल बाद जाके इसने अपना ब्रेकआउट दिया, इस जोन के ऊपर निकला। उसके बाद कम से कम ये 10 महीने हो गए इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था। अब आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड इम्पल्स मूव फ्रॉम इट्स बॉटम ये 10 महीने कंसोलिडेट करा एंड फाइनली इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। सो वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे चुका है गाइस। एंड अब आप रेड कलर की लाइन को फोकस करेगा, ये जो रेड कलर की लाइन है ये ऑल टाइम हाई है। ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इसके ऊपर कभी नहीं गया 1621 के ऊपर, और आज ही ये 1621 का हाई लगा के आया, मतलब अपने ऑल टाइम हाई को छू के आया। डेफिनेटली गाइस, अभी जब हम लोग लाइव थे तो ये अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंचा भी नहीं था और हमने आप लोगों को तभी बाय दे दिया था आज के ही लाइव के अंदर। अभी भी इसके अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप लोग इसे बाय कर सकते हैं, मुझे डेफिनेटली पता है। अगर मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ, सी दिस, ये ऑल टाइम हाई को आज छू के आया, तो डेफिनेटली कल एक छोटा मोटा डिप दे सकता है, बट उस डिप में भी आप लोगों को एक्यूमुलेट करना है। और अगर बाय चांस ये डिप नहीं भी देता और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो भी आपको बाय करना है। ये स्टॉक अब रेडार में रखना है बिकॉज ये 1-2 दिन कंसोलिडेट कर सकता है बट फाइनली एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। और इसके अगर मैं टारगेट्स की आप लोगों को बात बताऊँ तो अगर हम लोग करेंट लेवल्स पे भी बाय करते हैं तो मेरे टारगेट्स 12% तक के हैं, जो मुझे 1 से 2 हफ्ते के अंदर या इस मंथ के अंदर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस दिखा सकता है। सो करंट लेवल इसका भी है 1576 रुपीज का, इस लेवल पे बाय करो। अदर देन दैट आप 1550 भी बाय कर सकते हो और डिप पे भी बाय कर सकते हो। टारगेट इसका है 1750-1780 रुपीज का। स्टॉक का नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। हमारा दूसरा स्टॉक है मैसडॉक। मैसडॉक शिप बिल्ड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, दोनों ट्रेंड लाइन राइजिंग है, मतलब ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस ये हायर राइज एंड हायर क्लोज। इसके बाद हुआ क्या, आप देखेगा एग्जैक्टली अपने ट्रेंड लाइन के बॉटम से, अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन से एक बहुत बड़ी इसने इंपल्स मूव दी थी। आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड इंपल्स मूव, आप साइकोलॉजी की बात आ रही है तो ध्यान से समझिएगा। आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड इंपल्स मूव फ्रॉम लास्ट 3 डेज इसने क्या करा, उसके बाद एक रिजेक्शन हम लोगों को एग्जैक्टली इस लेवल पे फेस करने को मिला। जब रिजेक्शन हम लोगों को इस लेवल पे देखने को मिला, एक फॉल आया, दोबारा उसने ट्राई करा एग्जैक्टली इस लेवल पे एंड दोबारा एक फॉल आया। तो आप देख सकते हैं ये जो जोन मैंने क्रिएट करा है, ये जोन एक बहुत बढ़िया और एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के थ्रू एक्ट कर रहा है। जब ये नीचे आया दोबारा ऊपर, अब उसके बाद दोबारा ऊपर गया, दोबारा नीचे आ गया और अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर गया। एंड यहाँ पर अब आप कंटिन्यूस अगर एक चीज देखेंगे तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली गाइस, आज की जो मूवमेंट आई है कैंडल के अंदर वो बहुत ज्यादा अच्छी आई है, बट यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई है, ये करके आ रहा है एक्चुअल बेसिस पे, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। अब आप देख रहे हैं जो नीचे की लेंथ है वो एक्चुअल में कम हो रही है, बट जब भी वो ज्यादा नीचे चले जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग विद इन अ डे और टू हमें देखने को मिल जाती है। तो इससे हम लोगों को एक चीज पता चल रही है कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये आने वाले टाइम के अंदर ब्रेक होने वाला है।
अब जिस तरीके से एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस के अंदर से क्लोजिंग दिया है, अगर कल इसका ब्रेकआउट आता है तो एक 10 रुपए की मूवमेंट तो बहुत इजीली दे सकता है, बिकॉज 10 रुपए ऊपर एक रेजिस्टेंस है एक राइजिंग चैनल का। अदर देन दैट मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी ब्रेकआउट दे देगा और एक नए हाइस की तरफ ये बढ़ना स्टार्ट कर सकता है। स्टॉक को वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड करिएगा, मैं टेलीग्राम के अंदर अपडेट कर दूंगा इस पर किस तरीके से पोजिशन बनानी है और कौन सा टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं लास्ट स्टॉक की। हमारा लास्ट स्टॉक है प्रिंस पाइप। प्रिंस पाइप अगर आप देखेंगे इसने भी बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ मूवमेंट करी हुई है, समझेगा। इसके बाद सबसे पहले एक तो 380 के लेवल से एक बहुत बड़ी अप मूव आई, ऑलमोस्ट 780 तक किया था। उसके बाद ये अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया एंड उसके बाद बहुत बढ़िया टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप इसका देखेंगे इस पूरे मूवमेंट को समझेंगे, आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड लोअर लो एंड लोअर हाई, इट्स स्टार्टेड टू फॉर्म अ रिवर्सल एंड इट्स स्टार्टेड टू मेक इट्स हायर एंड हायर लो। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये ऊपर गया, इट क्रिएटेड अ डबल टॉप, नीचे आया, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा। प्रीवियस लो पे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक बेस क्रिएट करा हुआ है एंड बेस क्रिएट करने के बाद दोबारा ऊपर चला गया। अब दोबारा ऊपर जाने के बाद जो इसका क्लोजिंग प्राइस था, मतलब आप देख सकते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर था मई 2021 को, इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं करा था। बट इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने इस लेवल के ऊपर निकली थी कैंडल, बट एक हैवी सेलिंग प्रेशर दोबारा आ गया था एंड इट दोबारा इसने ट्राई करा ऊपर जाने के और एक बहुत बढ़िया बेस क्रिएट करा। ये भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है गाइस और डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इसका भी ब्रेकआउट आने वाला है। करंट प्राइस है 5760 रुपीज़ का 772 के ऊपर। डेफिनेटली अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो ये बहुत अच्छी अपमूव दे सकता है एंड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 60 to 70 points विद इन अ डे और टू हम लोग इस स्टॉक के अंदर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक का नाम है प्रिंस पाइप। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। ओपन इंटरेस्ट का डाटा हर दिन ड्रास्टिकली रिवर्स हो रहा है और ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। मंडे को बहुत अलग था, ट्यूसडे को और भी ज्यादा अलग था एंड वेडनेसडे को भी बहुत अलग है। सो एक बार उसको भी एक्सप्लेन करते हैं, एफआईआई क्या कर रहे हैं उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है एंड हम लोगों ने यहाँ पर बात करी थी। आप यहाँ देख सकते हैं हम लोगों ने इस लेवल पर बात करी थी कि हम लोग डेफिनेटली अपना एक बाइंग प्रोसीजर बना के चल सकते हैं। इस लेवल पर क्लोजिंग हुई थी, हमने आपसे बोला था या तो अगर ये इस लेवल से खुलते ही डिप देता है और इस जोन के अंदर आता है तो हम अपनी बाइंग करेंगे, अदरवाइज अगर ये ऊपर खुलना स्टार्ट करता, ऊपर खुलना स्टार्ट करता और इस जोन के ऊपर जाता है तो हम अपनी बाइंग करेंगे। इस जोन के अंदर हमें अपनी कोई भी बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। मैं जोन पूरा बना देता हूँ आप लोगों के लिए। इस जोन के अंदर हम लोग अपनी बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। ये पूरा जोन है, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। यस, इस जोन तक हमारी कोई भी बाइंग नहीं है, इसके इस जोन में हमारी बाइंग होगी, अदरवाइज इसका ब्रेकआउट। अब आप देख सकते हैं कि इंपल्स मूव देने के बाद अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। फाइनली अगर इसका एक ब्रेकआउट आता है तो भी हमें बाय नहीं करनी है। यस, यहाँ पर एक पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है और अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम लोग बाय कर सकते हैं क्योंकि एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, बट गाइस आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 18,060 के आसपास एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और 18,000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। बट अगर कल बाइंग आती है या फिर कल इसके ऊपर निकलता है तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 50 points या 60 points ऊपर का नहीं, ठीक है। अदर देन दैट अगर ब्रेकडाउन आता है तो कोई भी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी हमें, इतना याद रखना। बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, हमें कोई भी शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट नहीं करनी है, हमें बाय ऑन डिप्स करनी है या फिर अगर हमारा हवी हैवी जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट देता है तो ही हम लोग बाय करेंगे। एग्जैक्टली उसको फॉलो करो और आप सेफ रहोगे मार्केट पे। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ये हम लोगों ने एक ट्रायंगल पैटर्न आइडेंटिफाई करा था, इसका बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया था एंड बहुत ऊपर तक गया था एंड हमारे टारगेट्स अचीव करे थे कल के ट्रेडिंग सेशन पे। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज और बोली थी अकॉर्डिंग टू दिस डाटा कि ये एक कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। उसके बाद हम लोगों ने जब ओपन इंटरेस्ट का डाटा स्टडी करा था तो हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि हैवी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं 40,000 के आसपास। सो अगर कल मार्केट गैप अप भी खुलती है और 40,000 के आसपास आता है तो जितने भी कॉल राइटर्स हैं, जितने भी कॉल राइटर्स हैं गाइस, वो एक्टिव हो जाएंगे और जो भी 40,100-200 में कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं वो 40,000 की कॉल राइटर्स सेटल हो जाएंगे वहां पे। सो डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो मैंने आपको कहा था कि जब तक ये 40,100 या 40,060 के ऊपर नहीं निकलता हमारे लिए एक बाइंग सेटअप जनरेट नहीं हो सकता मार्केट के अंदर। हुआ क्या, अगर आप इसका टॉप देखेंगे, इसका टॉप एग्जैक्टली 40,100 का है तो 40,100 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई थी जिस बेसिस पर हम लोगों ने डिसाइड करा था एंड एग्जैक्टली एक सेलिंग प्रेशर आया क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले एक सेलिंग प्रेशर आया बिकॉज 40,000 रीच करा एंड कॉल राइटर्स ने कंट्रोल ले लिया। इसके बाद ये दोबारा नीचे आया तो ये आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट मिला,
ऊपर गया, तो जहां पर 40,100 और 200 वाले जो कॉल राइटर्स थे वो और ज्यादा एक्टिव हुए, अगर आप लोगों ने ओपन इंटरेस्ट डाटा और कंटिन्यूस बेसिस लाइव मार्केट पे स्टडी कर रहे थे एंड वो दोबारा नीचे आया। तो इससे हमें एक चीज पता चल रही है कि जब तक 40,100 ब्रेक नहीं होता हो ना अपर साइड, तब तक हम लोगों को ट्रेड नहीं करना। अब ओपन इंटरेस्ट पे हो सकता है कि हैवी कॉल राइटर 40,100 पे आ गए होंगे, तब हम 40,100 के ऊपर बाय नहीं करेंगे, तब हम 40,200 के ऊपर बाय करेंगे। इतनी बात याद रखना, जहां पर भी हैवी कॉल राइटर होता है उसी के 100 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी के ऊपर या 80 पॉइंट ऊपर ही हम लोग बाय करते हैं, बिकॉज जहां पर अगर 40,100 के अंदर हैवी कॉल राइटर्स होंगे तो उन लोगों को लॉसेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जितने भी नीचे के कॉल राइटर्स होंगे उन लोगों को और हैवी लॉसेज होंगे। सो इसकी वजह से उनके जब एग्जिट पोजीशन बनाएंगे उनके स्टॉप लॉसेज हिट होना स्टार्ट होंगे, शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में मार्केट ऊपर जा सकती है। तो जब भी कोई हैवी कॉल राइटर कोई एक स्ट्राइक प्राइस पे होता है, उससे ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस पे ही हम अपना बाइंग सेटअप जनरेट करते हैं। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोबारा। अब आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन ऑलरेडी हम लोगों ने ड्रॉ करी हुई है, बट अभी होना कंटिन्यूस बेसिस हायर हाइस एंड हायर लोस फॉर्म कर रहा है। सो मेरे लिए एक जोन है हमारे लिए सेलिंग के लिए, अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है, ये वाला लेवल अगर ब्रेक हो जाता है 39,600 का, तो मैं शॉर्ट कर दूंगा। 150 पॉइंट का ये फॉल है, 150 पॉइंट मुझे आराम से मिल सकता है और भी नीचे जा सकता है, बट जब तक ये हायर हाइज एंड हायर लोस का ट्रेंड कंटिन्यूशन चल रहा है तब तक मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं बाय ऑन डिप्स की सलाह ही देखूंगा, अदरवाइज मैं ब्रेकआउट के लिए बाय करूंगा। अब आप देख सकते हैं यहां पर मैं एक रेंज आप लोगों के लिए दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं, इस रेंज के अंदर हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना। अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आप देख रहे हैं, बट इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ऐसे छोटे मोटे ब्रेकडाउन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत होते हैं, तो इसको कोई भी नहीं करना, बट हमें शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना, हम लॉन्ग की ही तैयारी करेंगे, बिकॉज मुझे लगता है कि डाटा इस तरीके से प्लान हो रहा है कि अपने बॉटम से जब ये रिवर्स कर रहा था मैंने आपको कहा था कि 2-3 दिन कंसोलिडेट कर सकता है फिर एक बढ़िया ब्रेकआउट आएगा। सो लेट्स वॉच दिस पर्टिकुलर इंडेक्स एज़ वेल, मैं एक बार ओपन इंटरेस्ट की तरफ चलता हूँ। सो मैं ओपन इंटरेस्ट की तरफ आ चुका हूँ। सबसे पहले आप पता करो हैवी कॉल राइटर्स हैं 18,000 पे, अभी करंट प्राइस है 17,890 रुपीज का, मतलब मैं 17,900 मान के चल रहा हूँ। अगर हैवी कॉल राइटर 18,000 पे है तो हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस पे बाइंग करनी है। इसके ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी होगी, 18,050, बट हमें पता है कि यार 18,050 हो गया या 17,050 हो गया, ये 50 वाला जो होता है ना निफ्टी के अंदर, उस पर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा नहीं होता या फिर वो ज्यादा स्ट्राइक प्राइस एक्टिव नहीं रहती है, तो हम लोग इसके ऊपर वाली मतलब 18,100 लेंगे। सो अगर 18,100 आता है मार्केट के अंदर, तभी ये जितने भी कॉल राइटर्स हैं वो 18,000 के और 18,550 के और 17,950, ये तीन स्ट्राइक प्राइस के जितने भी कॉल राइटर्स हैं इन लोगों को लॉसेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, इनके स्टॉप लॉसेज होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड ये लोग प्रॉफिट अपनी एग्जिटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। उसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग के चक्कर में पुट राइटर्स एक्टिव हो सकते हैं, यहाँ पर बेस कंट्रोल कर सकते हैं एंड मार्केट ऊपर जा सकती है, बट हमें बाय तभी करना है जब 18,100 के ऊपर जाएगा। इसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं बैंक निफ्टी पे, सो हैवी पुट राइटर्स एक्टिव है 40,100 पे और 40,000 पे, तो यानी कि कल अगर मार्केट ऊपर जाती भी है तो 40,000 से लेके 40,100 जो एक बेस मैंने बताया था वहां पर कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो वहां पर जाएगा और फिर दोबारा मार्केट को पुश कर सकता है। सो हमें क्या करना है, हमें ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस यानी कि 40,200 के ऊपर बाइंग करनी है। अब इसका लॉजिक समझो, सबसे पहले हैवी पुट राइटर का है एक्टिव 40,000 पे और उसके बाद हैवी पुट राइटर 40,000 पे एक्टिव है और हैवी पुट कॉल राइटर भी 40,000 पे ही एक्टिव है। अब होगा क्या, ध्यान से समझने प्ले है आपको, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। हैवी कॉल राइटर दो स्ट्राइक प्राइस पे 40,100 पे और हैवी पुट राइटर 40,000 पे, यानी कि 40,000 एक बेस है क्योंकि उसके बाद कोई भी पुट राइटर एक्टिव इतने नहीं है। सो अगर 40,000 ब्रेक होता है तो डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर बहुत तेजी का आ सकता है। सो अभी करंट प्राइस से तो अभी स्ट्राइक प्राइस से तो नीचे है, अभी 39,938 है। अगर कल ये गैप अप खुल जाता है, देखिएगा ये बात समझिएगा, अगर गैप अप खुलता है तो सबसे पहली बात तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर कॉल राइटिंग कर रखी होगी उन लोगों को थोड़ा बहुत लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर जो 40,100 वाले हैं वो दोबारा शिफ्ट कर लेंगे अपनी स्ट्राइक प्राइस को इधर, जो जिन्होंने 40,500 का कॉल शॉर्ट कर रखा है वो भी अपनी स्ट्राइक प्राइस को शिफ्ट करके इधर ले आएंगे हेजिंग के थ्रू, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा। जब तक 40,200 ब्रेक नहीं होता तब तक बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट आपको ऊपर से रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा और एक सेलिंग आ सकती है। तो कल लाइव मार्केट पे मैं आप लोगों को पूरा ज्ञान दूंगा कि कैसे ट्रेड करना है, क्या सिस्टम है, क्या सिनेरियो है,
मैं पूरा ट्राई करने वाला हूँ कि कल मैं सुबह 8:40 8:40 पे आप लोगों के सामने लाइव आ जाऊँ बिफोर प्री मार्केट, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूँ दोबारा एंड एक बार लाइव मार्केट पे जैसी मार्केट ओपन हो उसके बेसिस पे हम कोई ऑप्शन या फ्यूचर्स की ट्रेड भी ले पाए, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग FIR का डाटा भी स्टडी कर लेते हैं। FIR का डाटा में सेम टाइप ऑफ सिनेरियो चल रहा है, कॉल के ऑप्शंस के थ्रू वो लोग बियरिश है एंड इंडेक्स फ्यूचर भी उन लोगों ने शॉर्ट कर दिया है, बट FIR ने स्टॉक्स के अंदर बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। अब आप देख रहे होंगे FIR स्टॉक्स के अंदर से कम से कम 10 दिन से सेलिंग कर रहे थे बट इवेंचुअली अब उन लोगों ने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया, तो आई थिंक इट्स अ गुड सिनेरियो। बट आप लोग स्टॉक्स के थ्रू शिफ्ट रह सकते हैं जो स्टॉक्स मैंने सजेस्ट करे हैं, अदर देन दैट मार्केट जैसा बताया गया एग्जैक्टली अगर वैसा रिएक्ट करता है तो ही आप लोगों को अपना ट्रेड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, मैं देख रहा हूँ बहुत कम व्यूज आ रहे हैं हमारी वीडियो के अंदर एंड बहुत एजुकेशनल एंड आप लोग खुद देख सकते हैं कि आप लोग कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। मैं टेलीग्राम के अंदर प्रॉफिट शेयर करता हूँ लोगों के। सो गाइस आप लोग ये सारी चीजें मिस आउट कर रहे हैं, प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं आप लोगों के लिए एड्स भी नहीं चला रहा, मैं यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं ले रहा आप लोगों के लिए, मेरे सारे मोनेटाइजेशन आप लोगों के लिए ऑफ कर दी कि आप लोगों को इंतजार ना करना पड़े हमारी वीडियो 5 सेकंड भी लेट स्टार्ट। तो इतना तो आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए, लेट्स एम फॉर 500 लाख्स एंड हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो बात करते हैं कल की ट्रेडिंग सेशन पे, कल मैं आप लोगों से लाइव मिलता हूँ। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।